बूंदी से अपनी बेटी के पास जयपुर जाने की आस लिए एक विधवा और दिव्यांग महिला सड़क पर घसीटते हुए जाने को मजबूर दिखी। उसके साथ 7 साल और एक 14 वर्षीय बेटी भी थी। ये दास्तान है 35 वर्षीय जयपुर की रेखा की, जो 12 से किसी वाहन में बैठकर जयपुर जाने की इच्छा में निकली थी, लेकिन वाहन वाला उसे बाईपास पर ही छोड़ गया। तालेड़ा के एक समाजसेवी ने बूंदी कांग्रेस के प्रवासी सहायता कंट्रोल रूम के प्रभारी चरमेश शर्मा को सूचना दी और पीड़ित परिवार को बूंदी भिजवा दिया। उसके बाद शर्मा ने पीड़ित मां बेटियों को बूंदी के रैन बसेरा में ठहराया और अपना दर्द बताते हुए दिव्यांग मां रेखा की आंखें भर आई। उन्होंने बताया कि वह जन्म से दिव्यांग नहीं थी। 4 साल पहले पति का निधन होने के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। 3 लड़कियों के साथ पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी, इसके चलते दिव्यांगता आ गई। पैसों के अभाव में इलाज भी नहीं हो पा रहा है। इसके बाद सहायता टीम की ओर से बच्चियों को चप्पलें भी दिलाई गई। कांग्रेस की प्रवासी सहायता टीम को सूचना मिली कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक दिव्यांग महिला अपनी 2 बेटियों के साथ घिसटते हुए जयपुर के लिए पैदल जा रहे हैं। उसके बाद इस परिवार को बूंदी रैन बसेरे में लाकर यहां पर कांग्रेस पार्टी के सहयोग से ठहराया गया है और बहुत ही दुखद स्थिति है कि महिला के पति का 4 वर्ष पूर्व निधन हो चुका है और महिला पूरी तरह से उसके बाद दिव्यांग हो गई। 3 बेटियाँ हैं, 2 बेटियाँ साथ, एक 4 वर्ष की बेटी जयपुर में है। ये 14 वर्ष की बेटी मजदूरी करती है और उससे परिवार का खर्च